तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सब करेगा तो कोई फायदा नहीं है। ड्यूटी में जूनियर्स है, आई डोंट हैव टाइम वेस्ट। सर, ये जशवंत सर का केस है, इसीलिए। पुलिस के बारे में कुछ मत बोलो, इस तरह का केस लाकर अस्पताल में डालेंगे। सुनो, कल का वो पेशेंट है ना, वन मिस्टर जेकब, हाउ इज ही? वो बड़ी अच्छी है सर। हाँ, तो चलो हम उधर जाएंगे, आप लोग इधर का काम देखो। डॉक्टर प्लीज, मुझे जीना चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज। क्यूक, ऑपरेशन थिएटर में जल्दी लाओ। ओके डॉक्टर। हेलो भाई, कैसा है तू? देखो, तुम्हारा पाव अब ठीक नहीं हुआ, थोड़ा केयर करो। तुम्हारा घर में सब लोग है ना? ओके। बीते हुए कल के लिए एक कहानी हमेशा होता है, वैसे ही मेरे भी कल के लिए प्यार और रिश्ते की रोशनी के साथ कुछ हसीन दिनों की यादें। जवानी, जिंदगी का हर पल खुल के जीने का समय, जिम्मेदारियां को निभाने का समय था वो। पैसा, पैसे के लिए कुछ भी करूंगा ऐसा सोच के जीना शुरू किया, और वही सोच मुझे गब्रियल के पास लेके आया। बचपन से मेरी माँ ने मुझसे कहा था वो मेरे पापा के दोस्त थे और अब मेरे रोल मॉडल भी थे गब्रियल। पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते थे वो, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद शहर में एक कॉफी शॉप शुरू किया। आजकल उनकी दुनिया सिर्फ इसी कॉफी शॉप में है। उनका ये परिवर्तन की वजह कोई फरिश्ता है करके माँ ने मुझे बताया था। जानते हो वो फरिश्ता कौन है? उनकी ही बेटी एन मेरी। जस्ट अ मिनट,
कहाँ थी इतने देर? सॉरी मैडम। ऑर्डर देके कितना देर हुआ? मुझे गैब्रियल से मिलना था। मार्टिन। मार्टिन? हाँ जी मार्टिन। वेट। ओके। सर, आपको देखने के लिए कोई आया है। मालूम नहीं सर, मार्टिन बोला। गैब्रियल भाई, उस देवसी ने सब कुछ बिगाड़ा, नहीं तो इब्राहिम भाई ऐसे नहीं करते। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगले महीने को ही आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। भाई ने कुछ बोला नहीं। भाई जो भी काम आप कर रहे हैं उसे जम के करना चाहिए, वरना अगर कुर्सी है भी तो पिछवाड़े सटेगी नहीं। अरे ओ भैया, तुम्हारे ये बोलने के बाद मैंने 10 करोड़ रुपया इस गधे के जेब में डाला, अब क्या हुआ? वो भी गायब। भाई, भाई के इस हाल के लिए मैंने भी बहुत सहायता किया, बहुत सारा पैसा मैंने भी आपको दिया था। मरवारी सेठ के बक्से में 2 गुना इंटरेस्ट लेके मेरा हाथ से बहुत कुछ निकल गया, इसलिए मैं जो अभी टाइम बोल रहा हूं तेरे को माल पहुंचाना ही पड़ेगा। अभी तू बैठ के कॉफी पी ले और पैसे के बारे में सोच। ओह, उसकी जरूरत नहीं, एक कॉफी के लिए पैसा मेरे पास है। मेरे को मालूम है आपके पास चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा है। ए, आपकी बेटी के लिए मेरी तरफ से। ओ, क्या थी दिलचस्पी। ये काम जब बोल रहा था कितने वादे किए हैं, ये अब कितने दफा की असाइनमेंट है हा? तू मेरे को लेके चैरिटी काम के लिए आए हो क्या, या मेरे को मरवाने के लिए? पुजारी के जैसे कपड़े पहन के चल पड़े हैं, तू मेरे हाथ से ही मरेगा वो पक्का। अबे ओए, तू मेरा नाम नहीं भूला ना? गैब्रियल है मेरा नाम। ये गैब्रियल ना फरिश्ता नहीं है, शैतान है। शैतान? चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार दिखाने वाला है। देखो वो कॉफी ठंडी हो जा रही है, उठा के पी ले, जरा तगड़ा हो जाने दे, नहीं तो वो मुसली खरीद के दे दो क्या? तू क्यों हंस रही है रे? वो नहीं पापा, ये आप जो बोले ना दोनों के लिए कोई काम का नहीं है। क्रॉनिक बैचलर्स है ना। तो अंदर जा रहे। बाय ओल्ड सिटीजंस। तेरी तो अरे
अबे ओए क्या रे, तेरे को कहीं खुजली हो रही है क्या? नहीं सर। अरे तू वहां खड़ा है क्या? तो फिर हम वहां आ जाएंगे। नहीं सर। अरे गुप्ता वो एसी जरा बंद करना, इसे बड़ी ठंड लग रही है। अबे मुन्ना मुझे यह बहुत सारा काम है, और ज्यादा काम नहीं करवाने का। नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? मार्टिन। इसे देखा तो इतना खूब नहीं है। अरे कौन सा बड़ा खासियत देख के मैं तेरे को यहाँ पे रखा है? तो बैठो। नहीं सर। हाँ तो तुमको पाइल से देखो, तुम अंडा मत का। अरे तू समझा नहीं क्या, ये अपना पटेल का लड़का है। हाँ तेरा पापा है ना पटेल जी, वो तेरी मम्मी जी को बहुत बड़ा दुख दिया है। उनका काम के लिए नहीं मैंने जो तुमको यहाँ बुलाया, मेरे को यहाँ बहुत सारा काम है जो लोगों को मालूम है और नहीं भी मालूम है। वो सब तेरे को मालूम होने की जरूरत भी नहीं है। तेरा काम जो है ना वो मेरी गाड़ी चलाने की है। ठीक है सर। अबे कहाँ गया रे वो भो अपना ताहिर? कच्चा मांस का बिजनेस बॉस को पसंद नहीं है, खत्म हुआ ना ची। लेडीज बिजनेस भी बॉस को पसंद नहीं है, पाले वाटी ना उन्ना वान पन्नी अच्छी। मेरा बॉस सोली इर्क, अच्छा काम करने से पहले थोड़ा मीठा खाना अच्छा है। चाहिए? उससे दोस्ती करने के बहुत से तरीके मैंने आजमाए, पर मैं समझ नहीं पाता हूं कि उसके दिल में क्या है। वो एक शहर में पली बड़ी हुई लड़की है, पर कोई नहीं, धीरे से वो सबसे दोस्ती कर लेगी, हम फिर देख लेंगे।
ये ताहिर है, गब्रियल भाई का सब कुछ। भाई जब कुछ सोचता है ताहिर तभी वो खत्म कर देता, इसीलिए ताहिर को बहुत भरोसा करते हैं। उसी भरोसा मुझे भी चाहिए था, इसलिए मैं भी ताहिर जैसा काम करने लगा। आ गया रे अपना रतन भटनागर। पहले भाई के दोस्त ही थे जो आज उनके बिजनेस के दुश्मन बन गए। गाड़ी जरा बाजू करके रोकना। इसी वजह से आजकल वो किसी को भी ज्यादा नजदीक नहीं आने देते। ये है रतन, भाई के साथ ही थे पहले, लेकिन अब देवसी के साथ काम करता है। आज करोड़ों का कारोबार है इसका। वो कैसे रतन? देव साहब को 30, तब मेरे को? तू मेरे को खेल मत सिखा भैया। ये सब खेल तू हमें सिखाया ना? वो तू मेरे को वापस सिखा रहा है क्या? अरे बेटा रतन, मैं तेरे को नहीं पहचानता क्या? रबर का दाम जब नीचे गिरा तो इसका खेल बदल गया। अब बदलते बदलते ये सोने पे पहुंचा, बहुत बढ़िया। अरे रबर के जैसे ही है ना दाम भी बढ़ता है, तो तेरा हाथ में बहुत सारा पैसे भी होंगे ना? हैं? रखो भैया बाकी के पैसा। ठीक है ठीक है। देव साहब। देवसी दिखने में बहुत मासूम लगता है, हंसते हंसते धोखा दे देगा। सिर्फ यही नहीं, गब्रियल भाई के और भी दुश्मन थे। एक महेश कुमार पुलिस ऑफिसर था, वही उसका ताकत भी। अरे बड़े साहब, बड़ा गलती हो गया हमसे। सब साला, गलती तेरे से नहीं हुआ, मेरे से हुआ, तेरे को विश्वास करने का। अबे मैं ये शहर में ऐसा अकेले चलू तो भी मेरे आंखों में आंखें डालकर कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं, अभी भी। वो मालूम है साहब, यहाँ का छोटे बच्चे को लेके बड़े बुजुर्ग तक आप ही के कारण रोज चैन की नींद सोते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि वो रतन को भी चैन का नींद सुला दो। तेरे को मालूम है ना मैं किसी से कुछ भी नहीं छीनता। तेरे 30 लेके एक 45, अभी 15 काट के बाकी का 30 वहां पहुंचने का। अब चलू मैं देव साहब। हाँ और एक बात है, तेरा मन में जो है आप उनके ऊपर निकाला, जिंदगी तबाह कर दूंगा तेरा, तेरे को अच्छी तरह मालूम है ना मुझे। तो चलो क्या? देखो यार, अरे ये उतना अच्छा नहीं है। जिसके पास भी बहुत सारा पैसा था वो सब लोग कॉफी शॉप आते थे। अरे वाह, खाना खाएगा चल। बहुत तरीके के लोग इधर आते थे, यहाँ के परमानेंट कस्टमर्स थे अजित और गैंग। जब भी वो यहाँ आता था उसके साथ हमेशा कोई लड़की होती थी, लेकिन जब मैंने उसको एन मेरी के साथ देखा तब मैं सोचने लगा। अजय क्या है, तू कहाँ जाने का बोला था पहले? मैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर। गाड़ी है ना तुम्हारे पास, तो मैं भी आऊँ क्या? व्हाई नॉट, मेरी को शॉपिंग करनी है, तू भी आ, मेरे को जरा ड्रॉप करना है? प्लीज प्लीज। ऑफ कोर्स, कम 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 ऑन। तुमको ड्राइविंग मालूम है? और नहीं तो क्या, मैं कर लूंगी। मैं कभी कभी इधर आता हूँ, उस दिन से तुम्हें देख रहा हूँ मैं। बाइक का चाबी दे। लड़कियों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। उनके बीच में क्या हो रहा है यह मैं जानना चाहता था। Hey, look at this mobile. Nice. Oh, yeah, yeah, yeah. How much this? Oh, 10,000. Go, go, go. I will pay the bill. Come on.
And you're so beautiful. Your smile also very nice. देख, हम वहां जाएंगे. ये देखो, ओ माय गॉड, कपड़ा निकल गया. तेरे पास 200 रुपीस है? इधर बैलेंस है. मेरी हाथों में? सुनो, लड़की लोगों को मालूम है तुम जैसा आदमियों का कैपेसिटी कितना है, समझा? एक बात बताओ, अगर तुम मेरी कॉफी शॉप में आएगा तो कॉफी पीकर जल्दी चले जाना, ठीक है? बाय. सर, बैलेंस. उसके साथ दिल खोल के बात करना चाहा मैंने, लेकिन भगवान ने मेरा बात नहीं सुना, लेकिन डेविल ने मेरी बात सुनी. सीए महेश कुमार उधर आ गया. रास्ते से हटो. क्या हो बिटिया? इधर काफी दिन हुए गब्रियल तेरे साथ घूम रहा था, थक गया तो बता, हम सब यहाँ है ना. अरे जा यहाँ से. जाने के लिए कोई घर पे नहीं है, शादी में गया है, मैं अब अकेला हूँ. तू और गब्रियल मिलके एक धंधा कर रहा है ना. सबको मैं. एक्सक्यूज मी, केएफसी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर खुद के लिए जाके देखना. नहीं, ये केएफसी है, आपको पता नहीं? ओ, ये है तेरा नया माकड़ी क्या? अबे हट के खड़ा रहना बे. सुनो, हम जाएंगे यहाँ से, ये पुलिस गुंडा है. तेरी तो. वो लोग आ गए सर. तो हम बाद में मिलते हैं. मैंने शाम को पाला, लेकिन बदले में मुझे एक नूर मिला. मैंने अपनी दिल की बात उससे बोला. किसी का भी नजदीक नहीं जाती थी एन मेरी. जब वो मुझसे बात करती थी, मैं उसका नजदीक और जाना चाहता था. सुनो, nobody would degrade themselves. खुद लड़की लोग बुरे नहीं बोलते हैं. उस दिन मैंने यूं ही बोलती थी, मालूम है? तुम मुझे बेकार के शक किया. वो लड़के को मैंने उल्लू बना दिया. आइंदा कोई लड़कों कॉफी शॉप में आकर इस तरह खेल नहीं खेलेंगे. यू नो द रीजन व्हाई आई रिवील ऑल दिस टू यू? नींद में भी अपना आसपास क्या क्या चलता है लड़कियों को मालूम पड़ता है. इट्स गॉड्स गिफ्ट. तुम क्यों तुम्हारा सुपरविजन मुझको बोलते हो, तुम बताओ? हर वक्त तुम्हारा मोमेंट्स मुझे पसंद आता है. तुम्हें यूं ही चिढ़ाती थी मैं. उसकी बात सच थी, लेकिन उसकी अंग्रेजी सुनते ही पहले मुझे बहुत गुस्सा आया. इधर गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग मलयालम बात करते हैं, लेकिन इसने सिर्फ अंग्रेजी में बात किया. प्यार को इजहार करने के लिए क्या भाषा हो सकता है? एनीवे, मुझे लगता है वो मुझसे प्यार करती है. मैं बरसों से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते आप. मुझे गब्रियल भाई को पैसा देना है. पैसा कैसे भी करके मुझे आज ही चाहिए. मैं बाद में बुलाऊंगा. हाँ, मुझे मम्मी के साथ जाना है. बेटी, माँ की बात सुनना चाहिए. अच्छी बेटी है ना तू. चल बाथरूम में जा, मैं नहलाता हूँ. जाओ ना. जाना है पापा. आ जाओ, मैं आज नहलाऊंगा.
अरे तू कहाँ जाता है? अंदर। नहीं नहीं तू यहाँ रखो। नहीं मैं भी आऊं। मैं बता दूंगा बहन। अरे वाह तुम लोगों को देखकर कितना दिन हुआ। अंदर। हाँ हाँ अंदर है वो जाओ। अंदर क्यों आता है? अंदर। नहीं नहीं तुम यहाँ रुको। बहुत सारी चीजों में ताहिर मेरे को अंदर नहीं आने देता। गब्रियल भाई को देना था वो पैसा ममालिका से लेने के लिए गए थे हम। एक टॉफी देगी? नहीं। एक टॉफी देना? नहीं। अंकल अच्छा आदमी है। मारो इसे! अरे मारो इसे! मेरे घर में आके मुझे ही मारना चाहते हो? मार! मार्टिन मार इसे! अरे साले मुझे पंगा लगता है। ताहिर का कोई भरोसा ही नहीं था। वहाँ से पैसा भी मिला और भाई ने बहुत डांटा भी। उससे गुस्सा आया तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं तुमने कुछ किया होगा तो फिर क्या था वो? मैंने क्या किया? नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। तू जा यार। हेलो कहाँ जाते हो? इधर एक वीआईपी आया है। तेरे बेटे को मैं सुपरस्टार बना दूंगा। वो सुपरस्टार होने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑटोग्राफ। अरे गुप्ता इधर आ। ये है क्या वो सुपरस्टार? हाँ सर ये जब पढ़ रहा था बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। ये एक्टिंग जबरदस्त करता है सर। अबे ओए तेरे को एक्टिंग मालूम है क्या? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। एक बार हमारे पिताजी ने हमसे पूछा, अरे खेलना है बबुआ गुल्ली डंडा? नहीं रे बरकुरदार। इसके लिए तुम्हें ताकत चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए, तकदीर भी होनी चाहिए ना है? परफॉर्मेंस वेरी नाइस। थैंक यू। मैंने ये सब पहले सुना था। वो तो मैं तो दरअसल फिल्मों से चुराया। अब मैं अपना डायलॉग बोलना चाहता हूँ जरा। एक दिखाऊं सर, एक दिखाऊं सर। यो बॉयज कम 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 ओह कम ऑन आर यू रेडी फॉर द एक्शन? अप हाय डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन है। नामुमकिन कैसा है सर? हाँ एकदम मस्त। बहुत धन्यवाद सर। मेरे को एक्टिंग कुछ नहीं मालूम। ओके मेरा सामने सिर्फ कुछ जिंदगी और कड़वी सच्चाइयां हैं। ओके अभी अगर ये जो दिखाया वो एक्टिंग है तो इसकी बन जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा परसों रोज तुम जरा वो लोकेशन जाकर मैं जो बोला ना वो आदमी से जाके मिलना। काफी है ना गुप्ता? थैंक यू फिर मिलेंगे। ठीक है पापा चलिए वैनिटी वैन भी खरीदते हैं हम अभी। मुसले अपना काम कर रहा है ना? तेरा दोस्त लेकिन मस्त है। क्या चाहिए बोला? ऑटोग्राफ। कलयुग है ना, इन्हें भी कल लोग सर पे रख के घूमेगा क्या पता। जो भी है तू वो प्रोड्यूसर को बुला के जरा बताना। इतना हो गया अभी क्या इंतजार? क्यों चाहिए? आजकल का ट्रेंड ये है। नहीं तो मूवी इज फाइन बट द सिचुएशन इज नॉट ओके।
क्या मांगा तूने? मेरे लिए है क्या? नहीं, मेरे लिए है? उसमें मैं भी तो रहूंगा है ना? मुझको हाँ तुमसे एक सेकंड। हाँ ताहिर। अरे सुनो। हाँ तू कहाँ है? मैं चर्च में हूँ। तू गाड़ी लेकर जल्दी आ जा। हाँ अरे जल्दी आ। भाई है क्या साथ में? अरे पहले तो आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ। एन जल्दी आओ जाना। ताहिर के बात सुन के मैं हार्बर गया। क्या है करके मुझे जानना चाहता था। ठीक है जो मैंने आज तक नहीं देखा था वो मैंने वहां पे आज देखा। बाद मैं भी जाना कि भाई के रास्ते में ही मैं भी जा रहा हूँ। बोलो सर। वो दोनों व्हाइट कलर का गाड़ी लेकर हाँ इनोवा कर रहे हैं। जैसे हम पिक्चरों में देखते थे वैसा एक छोटा राजा मैं भी बन रहा था। भाई का भरोसा मेरा साथ था लेकिन ताहिर स्मिथ के हाथ से माल लेके आ रहा है। उस बुड्ढे का सबसे बड़ा डील है। अगर गवर्नमेंट के हाथ पड़े 7 करोड़, महेश के हाथ में आया सिर्फ 7 लाख। इतने छोटे से अमाउंट के लिए हमने नहीं बुलाया। अब ये शहर में धंधे के लिए बड़ा साहब का जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूं। समझ गया होगा ना? MS-02A 2728 एक टोयोटा इनोवा वहां से पार हुआ है। सर उसको जरा फॉलो करना। मैं तो कुत्ते की तरह कहीं भी लेटूंगा। बॉस के पास आकर बहुत साल बीत गया, खूब सारा काम किया। एनिमल की तरह बहुत ज्यादा इंसान है लेकिन मुझे गिल्टी नहीं हुआ।
मैं मर गया तो खबर मेरी बहन को देने के लिए मत भूलो। ये बंदर जैसा मेरा मुकड़ा। बकवास मत कर यार। तुझको लगेगा अमीर बनने का। क्यों तुमने ऐसा बोला? कुछ नहीं है, हाथी सब्जी तेरा कॉफी शॉप। चलाओ चलाओ। ताहिर भाई, पुलिस! रुको रुको, गाड़ी रुको। पुलिस आ गया। तू क्या पुलिस को कभी देखा नहीं है क्या? अगर पकड़ रहा है तो पकड़ने देना। अबे बाहर निकलना बे। उस वक्त मैंने बोला ना कभी मेरा हाथ में पड़ेगा। कहाँ है रे तेरा बस और साले का डायमंड्स? सब सच सच बताना रे। चल चल इधर। अबे उठना बे। अया साला, क्या रे तू चुपचाप खड़ा है? तेरा मुंह खुलवाने के लिए कोई गोरी वारी लड़की चाहिए क्या? अब तेरे को ये केस क्या है मालूम है ना? माल हाथ में पड़ने के बाद तेरा बॉस नहीं कोई भी बाल आके बोलने से भी मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझा बे साला? क्या है बे, देख के भमका रहा है क्या साला? माल हाथ लगने के बाद सालों को सोने नहीं देना। चल 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 सारे जल्दी चल। हाँ चल चल चल, बोला ना चलने के लिए, सीधा चल जीप में चल चल। क्या बात है पापा? धोखा दिया है वो महेश। तो मेरा दोस्त सेव हिम पापा, प्लीज सेव हिम प्लीज। तू जन्म लेने से पहले मैंने चालू किया ये काम, इससे पहले भी कई जन अंदर गए हैं, अभी क्या? एक बात बताऊं, मुझे उससे उससे सॉरी पापा, आई लव हिम। इस तरह के काम के लिए उसे शामिल मत करना प्लीज। मैं तुमसे पहले ही बोला था मेरे लोगों और धंधे के साथ किसी तरह की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, भूल गई क्या तुम? यू आर क्रूअल पापा, आप सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट हिम पापा, I can't live without him. I can't live without him. उस दिन की इस बात के बाद मेरे और एन मेरी के बीच में जो भी था वो उन्होंने भी जाना। हे गुप्ता, महेश का काम तमाम करने का वक्त आ गया। पहले अपने लौंडे को बाहर निकालना, उसके बाद ही करना।
तू ज्यादा टेंशन मत हो, मैं महेश से पूरा बात किया था। हे ताहिर, माल कहाँ है? इधर है सर। सुबह से पहले ये सेठ के हाथ में पहुंचनी चाहिए। कहाँ है रे तेरा पुलिस वाला गुंडा? वो होटल में होगा सर। गुप्ता, तू इनको लेकर घर चले जा, उनको खल्लास करने का वक्त आ गया। चलो बच्चे। उस दिन पहली बार मैंने गब्रियल भाई के दूसरा मुख भी देखा। सुपरस्टार अजय घोष, देवसी का और सीए महेश कुमार का सारे गलत कामों के लिए यही सहारा होता है हमेशा। अरे सर, आप इधर? अरे, तेरे गॉडफादर से मिलने आए हैं। अरे क्या बड़े भाई, मैं कुछ हंसी मजाक किया तो आप डर गए क्या? यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। काफी साल हुए ना आप शहर पर राज कर रहा है, अब से मैं भी आ रहा हूं। इसको तो सिर्फ एक कर्टन रेजर ही समझना। लो, इन लौंडों से ही पूछ लो महेश को खेलना आता है या नहीं। खैर, आप तो आए हैं ना। शैल आई ऑफर अ ड्रिंक फॉर यू? तेरा खातिरदारी स्वीकार करके तेरा भाषण सुन के जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। तू जो धंधा यहाँ कर रहा है ना, सुपरस्टारों के पिछवाड़े में पाउडर डाल के करने वाला वो धंधा, और वो पाउडर मूंदने के लिए आजू बाजू में पैसे वाला खदे, और सिर्फ तबाही के लिए कुछ माता पिता जन्म दिया है ना, कुछ लड़कियां, इनकी सब सहायता करेंगे मैंने कभी नहीं बोला। इसलिए बेटा महेश, मेरे लौंडों को भी पकड़ के सही रास्ते में लाने का कोशिश तू भी नहीं करने का। तेरा ये सिनेमा वाला खेल है ना, उसको बंद करना भी मेरे को मालूम है। और फिर जो मुंह खोल के हंसने वाला तेरा सुपरस्टार है ना, उनके लिए मैं एक टिकट तैयार कर रहा हूँ, और फिर मैं भी निकालूंगा एक छुटकू को सुपरस्टार बनाने के लिए। और फिर मेरा हाथ में भी आएगा चैनल, सैटेलाइट, FMCG सब। अबे बुड्ढे, ये दोनों छुटकू लौंडों को लेकर तू इंस्पेक्टर महेश को डरा रहे क्या? तीन लोगों को बंद करने के लिए मेरे थाने में जगह है अभी भी। उम्र का मैं कदर नहीं करूंगा तीनों सालों को। तू इसको जरा हिला के दिखा एक बार। मैं आया तेरे पास, तू वर्दी पहन के जो खटिया काम करता है ना, वर्दी के बिना एक इंडिविजुअल के हैसियत से मैं करके दिखाऊंगा। अगर खेलना है तो मर्दों की तरह सामने आ जा। मेरे इलाके में या मेरे लौंडों के ऊपर अगर तेरा छाया गिरा। बेटा महेश, मैं तेरा टिकट फाड़ दूंगा, ब्लैक टिकट। दूंगी एक दो ना मुझे। नहीं नहीं दूंगी। क्यों?
मुझे चाहिए नहीं। प्लीज एक ही फूल चाहिए, क्यों नहीं देती हैं? अच्छी बच्ची है ना, प्लीज नहीं नहीं दोगी? नहीं। नहीं दोगी? दो ना, मुझे चाहिए। नहीं दोगी? सिर्फ एक फूल। नहीं। मैं भी ज्वाइन करूँ क्या तुम्हारे साथ? मैं काफी फ्री हूँ। टैन, कितनी देर से तुम यही बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक सपना था। वो सिचुएशन भूल नहीं पाती हूँ, मुझे डर है उसे, वो अच्छा आदमी नहीं है। आजकल पापा का एक्टिविटीज का फायदा उसको और इब्राहिम को जाता है। इब्राहिम भाई? छोटी उम्र में भी मैं उसे देख के आई हूँ मैंने। अरे बेटी, इब्राहिम भाई बोल के इनको डराना मत। डॉन का पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यारा मुनको की पुलिस डॉन को पीछे पड़ा, लेकिन डॉन ऐसा इस डायलॉग सीखने के लिए डायरेक्टर साहब ने बोला। काफी दिनों से सीख रहा हूँ।
आप उधर जाके देखा तो पता चले एक गधा बैठा हुआ है। तुम लोग बड़े साहब को बता के मेरे को एक सुपरस्टार बना दो ना भाई, प्लीज। तो फिर ये सारे लोग के हाथ से, ये पापा के कारीगर है, पापा के मिस्त्री लोग सब बंगाल के है। प्लीज आज का रोकड़ा देगा बोल के बुला के लाया। बड़े साहब को प्लीज जरा बताओ ना। उसके लिए बड़ा सा तो या नहीं है ना, आप जाके पापा को लेके आना। एन मेरी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानने के बाद वो क्या करेंगे करके मुझे पता नहीं था। तभी एक सफर के बीच में भाई ने उनके फ्लैशबैक मुझे बताया था। मार्टिन, ये एन जो है ना वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी 16वीं साल में मुंबई की वो बड़ी होटल में किचन में काम करने वाले मेरे को हर वक्त याद दिलाती है वो सुंदर 24 साल की उम्र वाली मेरी। मेरी को मैंने बहुत चाहा, उनका मैंने बहुत भेंट किया, इंतजार किया। लेकिन मेरी हालात ने मुझे उससे अलग कर दिया और अंत में कोई एक ग्राहक के साथ कहीं दूर चली गई। दया, मेरे को उस शब्द से नफरत था, मेरे आंखों के सामने सिर्फ उन्नति था, सिर्फ वही था मेरा लक्ष्य। उसके लिए मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए और अंत में हर रिश्तों को फाड़कर मैंने फेंका मौत का टिकटे, ब्लैक टिकट्स। फिर कभी इस शहर में कहीं बीच सड़क में मैंने उसे मिला, मेरी को, एक दुर्बल शरीर के साथ। उनकी बगल में किसी ने उसको दान दिया हुआ एक तोहफा, एक बच्ची सी लड़की। मेरी जिंदगी की हकीकत है, जब मेरे को पत्थर बनाया, मेरे को वापस एक इंसान बनाने के लिए इस बच्ची की खेल कूद और मुस्कुराहट थी, और वो छोटी सी बच्ची है मेरी बेटी एन। एन ने मुझे सब कुछ बताया था, सब कुछ। मैंने जो प्यार उसको दिया है वो अभी तुम्हें दे रही है, सिर्फ तुम्हें। मैं अगर कभी हंसा, नहीं अगर कभी रोया, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए था। सो मार्टिन, शी इज सिंसियर। भाई का दौलत को नहीं, एन मेरी को ही मैंने प्यार किया, ऐसे वो जान गए। मेरे ख्याल से वो जानते थे कि उनके दोस्त का बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने घर पे बुला के माँ से बात किया था और उनको भी बहुत खुशी हुई। उसके साथ ही एक ख्वाहिश भी था, उनकी बेटी को वो मिलना चाहते थे, तो उसको भी लेकर मैं घर जाना चाहता था। हेलो एन, क्या क्या बात है? कल सुबह हमें कहीं जाना है। किधर बताओ? तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ रेडी करो। वो सब एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? हाँ उधर जाने के बाद बताता हूँ। ठीक है। देर हुआ आप गाड़ी चलाते हैं, बताओ ना हम कहाँ जाते हैं? थोड़ा तो सब्र करो, कहता हूँ। प्लीज बोलो। तुमने मुझे पूछा था ना, अच्छा सलवार सिलाने वाला। देखो वहाँ पे एक घर है ना, वहाँ पे एक आंटी इस है। इस कारण के लिए तुम इतना दूर क्यों आए? उधर किसी को देना था ना। तुम आओ मैं दिखाता हूँ। ठीक है।
मैंने और माँ ने मिलके एक नाटक किया, थोड़ा सा उसको उल्लू बनाया। वैसे भी उसको मेरे साथ ही जीना था ना, थोड़ा सा झूठ भी दिखाना चाहिए। मेरे पापा और गब्रियल भाई का वो पिक्चर, वो मेरा पोल खुला दिया। आंटी? हाँ? इसके बारे में ही मैंने बोला था सलवार सिलाने के लिए। अंदर आ जाओ। उसको सब कुछ मालूम पड़ा, फिर भी वो बस ऐसे ही खड़ी थी और हमको ही उल्लू बनाया। कपड़ा कहाँ है? ओफ़, कपड़ा लाने के लिए भूल गई हूँ। नहीं, पहले तुम मेजरमेंट लो, कपड़ा मैं लेके आऊंगा। कौन सी ड्रेस चाहिए आपको? मुझे तो फ्रॉक चाहिए। ओ उतना नहीं, थोड़ी और, थोड़ा भी और थोड़ा। आज का फैशन है ये। इतना छोटे से कपड़े हम यही नहीं सिलते हैं, शॉप में जाएगा तो रेडीमेड मिलेगा। ये ड्रेस अंदर यूज करते हैं हम। ये तुम्हारे बारे में मुझको बोलोगे? मैं यकीन नहीं किया। मेरे बारे में क्या बोला? छोड़ो। बेटी, मैं बहुत डर गई थी इसका काम क्या है सुनकर, क्योंकि इसका बाप ऐसा था। नहीं, तुमको आने के बाद साहब बहुत बदल गया। ये पढ़ने के लिए बहुत पीछे थे, हम लोग गरीब थे। मैं सिलाई करके काम करती, पैसे कमाते थे इसके लिए। इसका बाप मुझे मारता था। ओ, मेरी माँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताती हूँ, पुरानी बात नहीं बोलती हूँ। कभी कभी प्रार्थना करना बेटी, तुम दोनों कभी कभी चर्च में जाकर प्रार्थना करो मन से, ये बात नहीं भूलने का। ठीक है, ये रखो। मेरे सामने तो फूलों का हार लेके गुनगुना के तू आ जा तू। मेरे सामने तो फूलों का हार लेके गुनगुना के तू आ जा तू। कर हम तो दिल को समझाए, मेरा तेरा ये मिलन तो कितना अच्छा है।
दीवाना होकर मेरे सामने आकर नाचो तू, दीवाना होकर मेरे सामने आकर नाचो तू, मेरे सामने तो फूलों का हार लेके गुनगुना के तू आ जा तू। ढूंढूं सागर में तो ढूंढूं तुझे, ढूंढ कर पागल हो गया। देखो मेरे प्यारे आ, क्यों इतना खामोश हो, मैंने हर वक्त तेरे पास हूँ। हम दोनों भी चढ़ना जाए कभी गम्मा ये खुशी, तुझे कभी छोड़कर मैंने दूर न जाओ प्यारे, दीवाना होकर मेरे सामने आकर नाचो तू, दीवाना होकर मेरे सामने आकर नाचो तू, मेरे सामने तो फूलों का हार लेके गुनगुना के तू आ जा तू, मेरे सामने तो फूलों का हार लेके गुनगुना के तू आ जा तू। मिस्टर रामचरण है। हेलो मिस्टर गैब्रियल, हाउ आर यू? आई एम गुड। काफी दिन हुए आपसे मिलके। अरे कैसे मिलूं साहब, आपका तो बिजनेस एम्पायर सागर के उस पार है ना, तो फिर आपका विदेश का मोटा तगड़ा बिजनेस जो है ना, अपना मुल्क में भी लाया राइट? अपना कारोबार अपना मुल्क में भी तो होनी चाहिए ना, इंडिया में तो अभी अभी ना क्वालिटी अवेयरनेस सब आई है, अब बहुत सी अच्छाइयाँ यहाँ भी होगी ना। बेटी तुमको जो भी चाहिए सब यहाँ मिलेगा, जाके देखिए शाइना। Yes, हमारी कलेक्शन सब दिखा देना इनको। आ जाइए, जाओ जाओ, हम लोग जरा वहाँ बैठते हैं। कैसा है? मेरे जिंदगी के सबसे हसीन दिनों का शुरुआत था वो, मैं और मेरी एन। हमारा इंतजार सिर्फ हम दोनों के मिलन का था। पापा, This is for you. तुम्हें कौन बोला ये सब लाने के लिए? वो बंदे लोग नहीं है क्या वहाँ पे? कोई बात नहीं पापा, आपको पीना था ना। हे मार्टिन। हो, आया मैं। तू इस बीच में कहाँ चले गया था? मैं उस तरफ था। एन, किचन में कुछ था क्या? कोई तो वास आ रहा है। नहीं तो? नहीं नहीं, कुछ तो है वहाँ पे, जाके देखना। जाओ। मालूम हो गया। इसको कुछ भी पता नहीं। अरे साहब जी, तो शादी वादी पक्की होगी यहाँ, तो आज मैं दारू पी सकता हूँ ना? तू एक मुसलमान है ना, तुम्हारे लिए वो हराम है ना? वो तो मैं दारू पीते वक्त तो मैं हिंदू है ना। तुम जाना। मैं पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। ताहिर बकवास मत कर। अबे छोड़ यार। ताहिर। हम्म।
वो नहीं यार, प्रार्थना करने के लिए कोई तो कारण चाहिए ना। अच्छा प्रार्थना के और लिए? नहीं तो क्या? हाँ, चलो आ जाओ। एक्चुअली ना दारू पी के ऐसे उड़ना है। हाँ ये सही। सांप हो गया क्या? अरे सांप नहीं यार, एक और बियर चलेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अरे एक और। पापा। एन। एन। मार्टिन। हाँ? नीचे से कोई आवाज आई। कौन सी आवाज? उधर है? चल आ जा। चलते चलते चल। बड़े भाईजान, बड़े भाईजान। अबे रुक, अबे अबे रुक, अबे अरे रुक ना, अबे सारा अरे ताहिर, ये जर्मन है, फिरंगी का तोहफा। इसी बंदूक के सहारे में मैं अपना अश्वमेध शुरू किया, और ये सब दौलत का भी कारण यही है। तुम्हें ये लेने का वक्त आएगा, उस वक्त मैं जिंदा होगा या नहीं मालूम नहीं, तब तक ये उनका खेल है महेश का, वो भी एक शिखंडी को सामने रख के। अजय घोष, ये उनके लिए है, ये रखो, ये जब है भाई साहब भी रहेगा अपना साथ। ताहिर जरा रुकना। अंकल जी,
वो लोग गैंग बन के खेल रहे है, मैं ये खादी पहना बोल के। मैं अहिंसा का भाषण वाषण नहीं दूंगा। गब्रियल तुम्हारा भाई साहब नहीं है ना ये शहर में, अब इन लोगों को भी नहीं चाहिए। हाय बेब। हाय। व्हाट हैपेंड? नथिंग। ताहिर तू क्यों यहां? क्या क्या चाहिए तुमको? ताहिर प्लीज, कल मेरे को शूट है। तू क्यों ये करवाया? तुम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे इमेज, उसका एक इमेज इस 555 नंबर के साथ कितने गाड़ी है क्या मतलब? तुम्हें जो साला सुपरस्टार बना के रखा, बॉम्बे वाला इब्राहिम भाई के लड़कों को लेके खेल रहे क्या? और वो भी वो साला महेश के लिए। अबे साला हमारा भाई सब क्या रहे? मुझे कुछ नहीं पता था। तुझे कुछ ये नहीं मेरे ऊपर साजिश है। तेरे को कुछ मालूम नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। तेरे गुंडे तो तेरे गाड़ी में है ना? अब बोल कौन? नो 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 नो, बोलेगा नहीं? बोलना। मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बोलूंगा। भाई ने बताया, भाई ने। मेरे को सिर्फ उतना ही मालूम है, दो चार आदमी को रहने के लिए घर रेडी करने बोला। कौन कहा कब क्यों सब ये सब नहीं मालूम मेरे को। हो सकता है भाई साहब हो गए वो एक आदमी, बाकी का दो। अबे किसको सामने रखे आके गेम खेल रहा है यार। नवजोत, वो साला कहाँ है अभी? मेरे को नहीं मालूम। खामखा नहीं कहते लोग, इसको एक्टिंग नहीं आती। उस महेश को पहले खत्म करना चाहिए। तू कुछ नहीं बोल रहा। आखिर तू नवजोत को कौन समझ के रखा? महेश का टिकट बाद में फाड़ते, सबसे पहले इनकी फाड़नी चाहिए, वरना हम मरेंगे। लेकिन उसके लिए एक रुकावट है, मैं और तुम। हैं? क्या बोला? हाँ, ये खेल यहां खत्म। मेरे को लेके एन के बारे में तो भाई साहब को जबान दिया ना, उसका पालन करो। उतरो। अब यहां से सफर मैं अकेला करूंगा, उसके लिए तुम्हें एक रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उतरो। अबे उतर। उतर ना बाहर, उतर। ए ताहिर, मरना है तेरे को, कुत्ते का मौत।
हर एक काम के लिए एक वक्त होता है। भाई साहब जैसे बोलते हैं, तुम्हें भी ले जाऊंगा जब महेश का टिकट फाड़ना है तब। अभी तू जरा सबर कर। ताहिर, तेरा वही गुस्सा है मुझे भी उन लोगों पे। खत्म करने के लिए या खत्म होने के लिए साथ रहेंगे। तो ऐन का ख्याल कौन करेगा? भाई और तेरे बाद ही मुझे कोई भी। लेकिन वो मेरी बहन है, समीरा की जैसी। उसने बताया ना, तीन टिकट लेके आए हैं। एक तुम हो सकता है, एक मैं हो सकता हूँ, वरना ऐन भी हो सकती है। इसलिए मेरा सफर में तू नहीं चाहिए। पापा तुम्हारे लिए ही जीते थे। वो मन से बात कर रहे होंगे। नहीं, मुझे पता है, वो कह रहे होंगे कि मार्टिन और एन तुम मेरे हो, तुझे मैं सेफ जगह पे लेकर जाऊंगा। हाँ, एक तरफ महेश और दूसरी तरफ पता भी नहीं है वो कौन। जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए इधर से। नहीं मार्टिन, आई कांट। तुझे क्या लगता है, बाहर जो खड़े हैं पुलिस ऑफिसर्स हमारे लिए हैं? मेरी बात समझो। है मुझे मालूम है, जा रहे हो वहां से। जल्दी 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 पक्का। अरे फॉलो हिम, पकड़ो उनको। हेलो, तू किससे बात कर रही है रे? तेरी बाप से क्या ऐसे सांस लेने वाले तेरे बाप से?
बच्चे सो गए क्या? भाई साहब एक बोतल पानी। पचास पचास ये है आपका पानी? तो वो खिड़की से बाहर देखोगी ना, यूथ हॉस्टल वाले लड़के लोग वहाँ है ना, मेरे को मालूम है। कितना हुआ? हेलो जाके सो जारी। हाँ ठीक है, ये रख लो, मैं आ जाऊंगा। कहाँ से दूध का लोड आते ही मैं चले आऊंगा। सर प्लीज सर प्लीज सर, बूढ़े को मार के जायदाद के हकदार को लेके तू भागने का कोशिश कर रहे क्या? ओ वे साला। उठना बे साले बहन की। अबे बंद कर। अरे चुपचाप बैठा रहे, बंद कर। चलना बे माइक का लाल। सर सर प्लीज सर 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 मुझे जा रही दीजिए। सर जा रही, अबे जा रही सारी। एन, तुमने क्या सोचा? तुम्हारे पापा नहीं थे उनका लक्ष्य, तुम थे। इस समय पर तुम्हें सेफ सिर्फ यही जगह है। क्या क्या बात करते हो? मेरा प्यार तुझे अगर सच लगे तो मेरे लिए इंतजार करना, और ताहिर को भी मुझे सच दिखाना है। मत जाओ, रुको, डोंट गो, डोंट लेट मी हियर। मैं इस शहर में आते वक्त कुछ भी ख्वाहिश नहीं था, फिर भी इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम्हें भी दिया मेरे लिए। बीच बीच में पता नहीं था इस शहर मेरे लिए क्या था। अंत में जैसे भाई कहते थे, हम दोनों को मिला है एक टिकट। मैं जा रहा हूं एन, एन इंतजार करना। मत जाओ प्लीज। Thank you.
अबे ताहिर, ये मैं ही हूं मोहम्मद अली। बोल, आपके लिए कुछ भी करेगा। जैसे तुम्हारे भाई कहते थे वैसे एक टिकट के साथ आया हूं, 4 टिकट, उसमें से एक वो ही लेके गए। नहीं 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 नहीं, मैं लेके गया उनके लिए, अब बाकी है 3। मोहम्मद अली अब ऐसे है, ये जो गाड़ी दिख रहा है वो तुम्हारी वजह से। याद नहीं है क्या उस दिन गब्रियल तुम लोगों को मेरे पास बेचा था? याद नहीं है क्या? मार को भेज दो ना बे, मार ना बे। मार ना बे, अबे मार। काफी नहीं है क्या? तेरी माँ की लाल सा। जो काम तू कर रहा है वो गब्रियल के लिए बहुत सालों तक मैंने किया है। हम सबका एक तरीका है ना ताहिर, एक उंगली अगर काटा तो जिसने भी काटा उसका उंगली काटना चाहिए, उससे भी बड़ी बात उससे माफ करना। लेकिन माफ करने के लिए ये मोहम्मद अली खुदा नहीं है, जो भी मेरे लिए चाहिए वो मैं लूंगा। तुम्हारा दोस्त को कहीं पे भी तुमने छुपाया हो उसका टिकट मैं भिजवा दूंगा। जाना चाहिए ना ऐसी गाड़ी में, नवजोत भेज दो इसको जहन्नम पे। टिकट टू हेल। ब्लैक टिकट। ये नहीं, इसको नहीं जाना चाहिए, उसको गब्रियल की बेटी, उसको जाना चाहिए, उसको। ताहिर, ताहिर, मार्टिन, टिकट को ढूंढते हुए वो भी आ गया, उसे लेके आना, जाओ। ताहिर, ताहिर।
ताहिर। ताहिर। क्या हो क्या रहा उधर?
था। वो कहाँ है एन मेरी? ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बाद मैंने एन को बीच रोड के पास एक चर्च में छोड़ना पड़ा। अब वो मेरी इंतजार में वहीं रहती होगी। उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसको कुछ नहीं होगी, मैं जाके लाऊंगा उनको। आज का मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग आए थे। देखो वहाँ एक लड़की बैठी है। रात बहुत हो गया, आप अकेले क्यों इधर बैठे हैं? किसी को इंतजार करती है क्या? चलो चलो, कल सुबह जल्दी उठना है। अंकल, अंकल, मैं तो डर गई। मैं मेरे पापा के बारे में आपको मालूम है ना? बहुत ही थका हुआ हूं मैं। एक कॉफी मिलेगा क्या? मैं अभी लाती हूँ। क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? क्या क्या बोला? मुझे मालूम नहीं हुआ। क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? मेरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो। आ
सिस्टर आप हाँ? एक लड़की को इधर देखी क्या? हाँ मैंने देखी थी थोड़ी देर पहले, उधर बैठी थी, शायद गई होगी। बेटा एंड बेटा आंखें खोलो, बेटा बेटा आंखें खोलो बेटा। हे भगवान क्या हुआ तुम्हें, क्या आखिर हुआ क्या, बोलो बेटा बोलो तो सही। तुम्हारा पापा उसकी वजह से मेरी बेटी। देखो बेटी कितना देर हुआ, आंटी लोग बाहर वेट करते हैं ना, तू पापा के साथ आ जाओ। नहीं मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी आ जाऊंगी। मैं बरसों से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते आप। मुझे गब्रियल भाई को पैसा देना है। आप नहा कर ले आओ। पैसा कैसे भी करके मुझे आज ही चाहिए, मैं बाद में बुलाऊंगा। हाँ मम्मी के पास जाना है, जाना है मम्मी के पास जाना है। अच्छी बेटी है ना तू। नहीं चल बाथरूम में जा, मैं नहलाता हूँ, जाओ ना। नहीं जाओ ना, जाना है अभी। नहीं आ जाओ, आज मैं नहलाऊंगा। नहीं पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पापा, पापा मुझे जाना है। कितना दिन हुआ तुम्हें देखा? भाईजान है के अंदर? हाँ है, अंदर है, जाओ। अबे आना रे, अब मारो उसको, अबे यार मारो इनको, अबे यार मारो इनको। पापा जल्दी जल्दी खोलो, खोलो ना दरवाजा। अबे मारो इनको, दरवाजा खोलो, मारो यार, मारो यार। काफी नहीं है क्या तेरी माँ की लाल साला? बेटी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। बेटी Oh
मेरी बेटी, तुम्हें भी उसी के पास भिजवा दूंगा। वो वहां पे अकेली होगी। उसको मेरे चुम्मे से ज्यादा तुम्हारे चॉकलेट्स को पसंद करती थी, वो ही चाहती थी। आपके बेटी को मरने के कारण मेरी पापा है तो मुझे मरने के लिए डर नहीं है, लेकिन मैं यकीन नहीं करती हूँ। वो मुझे सड़क से उठाकर पाल कर बड़ा किया। आपके बेटी को मिठाई देने वाली वो मैं है। मेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेगा। अपने बच्चों को प्यार करते वाले कोई भी बाप ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अनजाने में किया गया एक छोटी सी गलती एक बड़ा हादसा बन चुका, और मैं सिर्फ उसको देखता ही रह गया। जितने भी पाप किया था उन सब के लिए अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं। For saving my life. अंधेरी सी रात के सारी तन्हाई को पीछे छोड़ के मार्टिन और एन मेरी दोनों एक साथ जीना शुरू किया। सारा बदला लेने के बाद वो सारी दुश्मनी को छोड़ के मोहम्मद अली भी लौट आ गया अपनी बेटी के पास, और महेश कुमार भी अपनी वर्दी के लिए सारा काम कर रहा और बिना किसी काम के सिर्फ पैसा ही लेता रहा।